नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की एनडीए सरकार कहने को तो साथ में है, लेकिन जैसे ही कोई विवाद शुरू होता है दोनों के दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है। मुद्दा चाहे कोई भी हो, इन दोनों के बीच की खाई साफ नजर आने लगती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है लाउडस्पीकर विवाद को लेकर। देश भर में गूंजे लाउडस्पीकर विवाद से अब बिहार भी अछूता नहीं है। अब तक तो अखबारों और टीवी चैनल पर यही देखते आ रहे थे कि फलना राज्य ने अपने धार्मिक स्थलों से इतने लाउडस्पीकर को हटा दिया, लेकिन बीते दिन इसकी आंधी बिहार में भी देखने को मिली। भरी गर्मी में बिहार सरकार के मंत्री जी के लाउडस्पीकर हटाने के बयान ने बिहार की राजनीतिक गलियों का पारा और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने बीते दिन आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धर्म कानून से बड़ा नहीं होता है। यूपी में ये कानून लागू हुआ तो बिहार में भी इसे लागू करेंगे। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां अगर कानून बना है तो बिहार में भी जरूर होना चाहिए। जब बिहार में कानून आएगा तो यहां भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटेगा। धर्म कानून से बड़ा नहीं हो सकता, कानून से ही देश और प्रदेश चलता है। जो कानून कहता है उस पर सभी को अमल करना चाहिए। उनके इस बयान को सुनकर आप भी समझ गए होंगे कि बिहार भाजपा के नेता क्या चाहते हैं। फिर क्या था, इस मामले का तुल पकड़ना तय था और हुआ भी ऐसा ही। उनके इस बयान के सुर्खियों में आते ही जदयू ने स्पष्ट कह दिया है कि बिहार में यह संभव नहीं है। जदयू नेता और बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार में इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। धार्मिक मामलों में जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में जो पुरानी पद्धति है उसका पालन किया जाना चाहिए। जदयू ने भले ही उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाने पर आपत्ति जताते हुए बिहार में धार्मिक स्थलों पर से लाउडस्पीकर नहीं हटाने की बात की है, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर पूरे देश के धार्मिक स्थलों से हटना चाहिए। भाजपा का कहना है कि लाउडस्पीकर से लोगों को काफी परेशानी होती है। इन सभी विवादों पर पूर्ण विराम तब लगा जब नीतीश कुमार ने इसे फालतू का मसला बताया और इस पर अपनी असहमति जता दी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में शुक्रवार को शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि बिहार में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है। उधर जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार की बातों से अपनी सहमति जताते हुए कहा है कि किसी को तकलीफ पहुंचाने के मकसद से लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाना सही नहीं है। मांझी ने कहा कि लाउडस्पीकर और घड़ी घंटा की राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। हालांकि आप इस मामले में क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आपके अनुसार बिहार में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर को हटाया जाना चाहिए या नहीं, अपने जवाब हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।